In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good, best health and spirit. Today, I am discussing about scope of avionic engineering. Avionic engineering का scope क्या है? इसके साथ साथ eligibility criteria discuss करेंगे और इतनी भी मिलती जुलती तमाम तरह discussion jobs के बारे में जो है discuss करेंगे, salary के बारे में discuss करेंगे और vacancies के बारे में discuss करेंगे about avionic engineering. आप में गुफ्तगू का आगाज करते हैं. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एवियोनिक इंजीनियरिंग असल में कौन सी चीज है. एवियोनिक इंजीनियरिंग ये एक इंजीनियरिंग की ही एक ब्रांच है, यानी कि एवियोनिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वी डील विद द इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो इसी के साथ साथ यानी कि मैं आपको मिसाल से भी समझाऊंगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिवेलप किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है. आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं समझाऊं, आप देखते हैं कि एक हवाई त्यारा चल रहा है या हेलीकॉप्टर चल रहा है या फिर जंगी त्यारा चल रहा है, तो इनका जो जितना भी नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट, ये कौन कंट्रोल करता है? ये नीचे बैठकर, जमीन के ऊपर बैठकर एक चलते हुए हवा में उड़ान करते हुए त्यारे को जो चला रहे होते हैं, जैसे रास्ते के अंदर होते हैं, नेविगेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये कौन कर रहे होते हैं? ये ऑफिस के अंदर बैठे हुए कह लेंगे ये एवियोनिक इंजीनियर्स होते हैं जो कि इन तमाम दर को कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसका स्कोप, इसकी मांग और इसका जो है लाइफ स्टाइल एवियोनिक इंजीनियर का, ये बहुत एक लग्जरी है. ठीक है, लेकिन मैं ये भी बता दूंगी इसका फीस स्ट्रक्चर भी लग्जरी है. ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. ठीक है, सबसे पहले आते हैं जी मैट्रिक. मैट्रिक के अंदर आपके कम से कम जो मार्क्स होने चाहिए वो 60% होने चाहिए मार्क्स. इसके बाद इंजीनियरिंग आते हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग. एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर आपके कम से कम जो मार्क्स है ना वो 60% होने चाहिए. यदि 60% से मार्क्स कम हो तो दाखिला कह लेंगे थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल क्या है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जो है हट जाएंगे, एक क्राइटेरिया के ऊपर आप उतर नहीं पाएंगे. ठीक है, तो 60% मार्क्स इन मैट्रिक एंड 60% मार्क्स इन एफएससी प्री इंजीनियरिंग, देन यू आर एलिजिबल टू स्टडी एवियोनिक इंजीनियरिंग, फिर आप इसका बिल है. ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसका देख लिया, लेकिन अब एक तादाद है यूनिवर्सिटीज की जो कि इसको ऑफर करती है एवियोनिक इंजीनियरिंग को. एवियोनिक इंजीनियरिंग ये तो कहने की फील्ड तो थोड़ी महंगी तरीन है. ठीक है, यानी कि इसका फीस जो लाखों के अंदर जाता है, राउंड अबाउट कहने की एक एवरेज अगर मैं बताऊँ आपको, एवरेज करीबन 30 लाख 30 लाख के करीब तक ये पहुंचती है इसकी जो है फीस स्ट्रक्चर. लेकिन अगर इसकी सैलरी पे की बात की जाए कि अगर आफ्टर डिग्री जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आपकी कहीं पे जॉब लगती है, ठीक है, तो कह लें कि राउंड अबाउट आपकी सैलरी भी लाखों में ही होती है. ठीक है, तो लेकिन ये भी मैं बताऊँ, इसमें 50,000 से स्टार्ट होती है, ये 5 लाख तक इसकी सैलरी पे की जाता है. ये बात होगी सैलरी की, लेकिन एवियोनिक इंजीनियरिंग की के डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए तो हर साल कह लें कि 45 वैकेंसीज आती हैं. ठीक है, जिसके अंदर एक तलबा ने अप्लाई करना होता है. ये बड़े कहने के यूनिक से तालबे इलम होते हैं जो कि इसके अंदर अप्लाई करते हैं, उनका जो मयार के ऊपर उतर आते हैं. ये बड़े एक कम यानी 45 आपको जो है आपको इससे ज्यादा करें, जॉब के लिए थोड़ी सी आपको एक कहने की दौड़ लगानी पड़ती है. जॉब के लिए नंबरों की दौड़ है सारी, और एक्सपीरियंस की दौड़ है. ठीक है, इसके साथ साथ बात तो जो है ये इस चीज पर नहीं उतर पाते, लेकिन इसके लिए और भी जॉब्स का क्राइटेरिया मौजूद है. अब लेकिन इस पर तो हम जो है इन डिटेल डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये देख लें कि एडमिशन प्रोसेस क्या है. ठीक है, साल के अंदर राउंड अबाउट यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज साल में 2 बार भी ऑफर करती हैं, कुछ 1 बार ऑफर करती हैं. ये यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन इसका होता है. ठीक है, तो इसके लिए एक चीज है कि ईटा रिक्वायर्ड नहीं है, ईटा रिक्वायर्ड नहीं है, ई कैट जिसे कहते हैं आप, ये रिक्वायर्ड नहीं है. जिस तरह के सिविल इंजीनियरिंग के लिए नेसेसरी एसेंशियल, बट एवियोनिक इंजीनियरिंग के अंदर ये जो है टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता. अलबत्ता यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जरूर होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक टेस्ट होता है. यूनिवर्सिटी चाहे टेस्ट ले चाहे टेस्ट ना ले, इट डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के ऊपर ये चीज जो है इंसार करती है कि वो टेस्ट आपको लेती है नहीं लेती. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने इसका डिस्कस कर लिया है. इसके बाद आते हैं कि इसका यानी फीस स्ट्रक्चर. फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया कि राउंड अबाउट आपको 30 से 30+ लाख आपके जो है इसके ऊपर लग जाते हैं. एवियोनिक इंजीनियरिंग यानी कि एक भरता हुआ शोभा है ये. इसका अगर जॉब की बात की जाए, आफ्टर डिग्री आप कौन कौन सी जॉब किन को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कह लेंगे PIE को ज्वाइन कर सकते हैं, आप PAF को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कह लें कमर्शियल लाइन्स को
ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहेंगे किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, एविएशन क्लब यू नो, तो आप वहाँ पर कंसल्टेंट रख सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनर रख सकते हैं, टीच कर सकते हैं, टीचिंग की जो है फील्ड मौजूद है, आप टीच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप प्राइवेट कमर्शियल लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये तमाम दर आप इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर जो है इसके स्कोप के अंदर मौजूद है, आप इन चीजों को भी आफ्टर दिस डिग्री आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये शोभा कुछ है ऐसा, ठीक है। इसके साथ में बताऊँ कि लाइफ स्टाइल का लग्जरी है, ठीक है, क्योंकि यू नो अगर आप सैलरी पैकेज देखते हो, सैलरी पैकेज ही बड़ा हाई लेवल का लगता है, जब सैलरी पैकेज हाई लेवल का हो तो आपकी यू नो लाइफ लाइफ लग्जरी की तरफ जाती है, लाइफ लग्जरी हो जाती है, ठीक है। तो ये तमाम तर जो है क्राइटेरिया, अगर आपका माइंड का जो जो इस बारे में सोच रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी इंजीनियरिंग करें या ना करें, तो देखिए कोई भी फील्ड है ना, कोई भी फील्ड है, इसके अंदर स्कोप बनाना आपकी जिम्मेदारी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है इसके ऊपर रिसर्च रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, स्किल्स रखते हैं। स्कोप तो फील्ड में ही होता है, स्कोप बंदे में होता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ स्कोप बंदे में होता है, तो स्कोप आपने किसी भी फील्ड के अंदर अपना खुद बनाना होता है। तो कहेंगे ये भी कहेंगे एक मार्केट है एविएशन, इसके अंदर आपने स्कोप खुद बनाना है, ये आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि आप कितने काबिल हैं, किस काबिल हैं, आप कितना स्कोप रखते हैं, आपके अंदर कितना स्कोप है, देन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप काबिल हैं तो फिर कहेंगे कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, इकबाल रहमत ने जिसने कहा था। तो आप अपने ड्राइव का जरूर कर सकते हैं, इसके साथ में दीजिए इजाजत, वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन, थैंक यू।